महेश, इंद्र आदि देवताओं को तुम स्वर्ग से खदेड़कर द्वार द्वार का भिखारी बना चुके हो। अपमान और आत्मा ग्लानि की ज्वाला में जलकर सारे देवता तेज शून्य हो गए हैं। अब कैसा प्रतिशोध महेश, कैसा प्रतिशोध? नहीं मां, नहीं, मेरा लक्ष्य मात्र देवताओं का दमन नहीं बल्कि समूची असुर जाति को गौरव के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाना है, और वो लक्ष्य ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे त्रिदेवों का दमन करने के पश्चात ही संपूर्ण होगा। कृपया मेरे संकल्प में बाधा न बने। पुत्र, असीम को सीमा में समेटने का संकल्प किसी गोद के बालक की पूनम के चंद्रमा को खिलौना समझकर पकड़ने जैसी कोरी कल्पना है। पुत्र महेश, ये सर्वथा असंभव है, असंभव। हे माते, हर असंभव को संभव बनाने के लिए ही आपकी बलिदानी ज्वाला से मेरा जन्म हुआ है। आपके रक्त के कण कण में समाये आपके अंतर आक्रोश का ही तो महिषासुर साकार रूप है। पुत्र महेश, दुराग्रह छोड़ दो। यदि तुम सचमुच मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर मेरा श्राप करना चाहते हो तो उस देवी से छेड़ा अपना संघर्ष त्याग दो। नहीं मां, कदापि नहीं। मैं उस मायाविनी के दर्प का दमन कल का ही दम लूंगा। महेश, तुम नहीं जानते वो कौन है। हाँ हाँ, कहिए कौन है वो? महेश, वो सर्वोच्च शक्ति है, सारी शक्तियों का मूल स्रोत है, जहाँ से चराचर ब्रह्मांड को शक्ति प्राप्त होती है। भला ऐसी अपरिमित अपार शक्ति को तुम कैसे जीत सकते हो? हाँ। पुत्र, इस मिथ्या इस अहंकार को त्याग दो। माता, आपको भी गुरुवर शुक्राचार्य प्रधानमात्य की भांति देवों की माया ने भ्रमित कर दिया है, परंतु आप चिंता न करें। यदि वह संपूर्ण शक्तियों का स्रोत है तो हम उसके अहंकार को खंड खंड कर सारे ब्रह्मांड की शक्ति के स्वयं बन जाएंगे। नहीं महेश, मेरे पुत्र होकर असुरों के विनाश के कलंक को अपने माथे पर मत लगाओ। मेरी आज्ञा मान लो, अन्यथा परिणाम शुभ नहीं होगा। नहीं माते, महिषासुर के आगे बढ़े चरण कदापि पीछे नहीं हटेंगे। अब आपका ही सर्वशक्तिमान पुत्र जगत की संपूर्ण शक्तियों का महान प्रकाश स्तंभ बनेगा। महिषासुर अजर अमर था और सदैव अजर अमर ही रहेगा। यदि पिताश्री रंभ आपके साथ आपके लोक में है तो उन्हें भी मेरा यह संदेश दे दीजिएगा। हम नहीं रुकेंगे। हाँ वीरो, उस चांडाली का
दुर्गा को राहु बनकर घसने के लिए टूट पड़ो। रथ शीघ्र आंको। रुक जाओ सुरवीरो, रुक जाओ। नहीं आयुष्मान शिष्य, नहीं, एक पग भी आगे मत बढ़ाओ। माता असुरेश्वरी ने हमें बताया है कि वो स्त्री नहीं असुर संस्कृति की विनाशिका शक्ति है। मृत्यु के भयानक मुख में जाने से रुक जाओ। आचार्यवर, एक बार तो आपने हमें रोक लिया, अब ये दूसरा क्या प्रपंच रच रहे हैं। बच्चों, जलती हुई ज्वाला में कोई भी जान बूझ कर नहीं कूदता। भुजंग के मुंह के आगे कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता। पुत्रों, मेरी आज्ञा मानो और लौट जाओ। गुरुवर, आपने गुरुकुल में हमें स्वामी भक्ति की शपथ दिलाई है और अब आप ही हमें स्वामी भक्ति से मुख मोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं। वीर स्वामी भक्त, स्वामी यदि उन्माद रोग से ग्रस्त हो तो उसकी आज्ञा न मानना अपराध नहीं होता। अति क्रोध की पराकाष्ठा में दी गई आज्ञा यदि परिजनों के विनाश का कारण बनती है तो उसे ठुकरा देना चाहिए। यह नीतिकारों का अभिलेख है। परंतु आचार्यवर, हमारे स्वामी तो सदैव स्वस्थ चित है। ओज और शौर्य की भाषा तो उनका सहज गुण है। इसके पूर्व आपने कभी उन्हें उन्माद पीड़ित घोषित नहीं किया, फिर हम उनकी आज्ञा क्यों ठुकरा दें? पुत्रों, अहंकार, दंभ और काम वासना से संतप्त व्यक्ति उन्माद रोगी ही होता है। बच्चों, कोई भी माता अपने हठीले पुत्रों को अंधे कुएं में बरबस नहीं करने देती। आयुष्मानो, दंभ और काम विकार से ग्रसित महेश समूची असुर जाति को विनाश के कगार पर ले आया है। आचार्यवर, आप हमें स्वामी से विद्रोह करने की प्रेरणा दे रहे हैं, हमें महान आश्चर्य है। असुरों, ये मत भूलो, मैं महिषासुर का द्रोही नहीं बल्कि महिषासुर सहित समूची असुर संस्कृति का संरक्षक हूं। भावी के दूरगामी परिणामों को सोचकर ही मैं तुम्हें राजाज्ञा भंग करने का निर्देश दे रहा हूं। इसी क्षण लौट जाओ, अन्यथा सर्वनाश होकर रहेगा। गुरुवर, आप जानते हैं असुरों की निकली कृपाण बिना रक्त पिए म्यान में प्रवेश नहीं करती। गुरुवर, जिस तरह धनुष से निकला हुआ तीर तरकश में पुनः वापस नहीं लौटता, उसी प्रकार से असुरों के आगे बढ़े चरण पीछे नहीं पलटते। आचार्यवर, मृत्यु से बढ़कर अंतिम परिणाम कुछ भी नहीं हो सकता। क्षमा करना आचार्यवर, अब तो विधाता भी हमें वापस नहीं लौटा सकते। पुत्र और पत्नियों के मोह त्याग कर हम आगे निकल चुके हैं। साथियों, आगे बढ़ो। क्या कर दिया मुझे? बागे को इन दंभी असुरों का कुल पुरोहित बनाकर इतना विवश क्यों कर दिया? बिगड़े कुटिल पुत्रों के पिता की भांति मैं असहाय सा अपनी सजाई सवारी असुर संस्कृति की विनाश की लीला को अपने अपने अभागे नेत्रों से देख रहा हूं। ये कैसा दुर्भाग्य है हे विधाता, ये कैसा दुर्भाग्य है।
कष्ट न करें। इन सब का अंत मैं करूं। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.